अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आम का गुड़म्मा। गुड़म्मा बोलते हैं इसको, आम की कलौंजी बोलते हैं। ये बनाएंगे हम, जिसके लिए हमने आधा किलो आम लिए हैं। ये 5 आम चढ़े हैं मेरे, और आप कोई भी आम ले सकते हैं। ये मैंने छोटे वाले आम लिए हैं, और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो आपको दिखा देते हैं। ये मैंने लिया है 2 टीस्पून भर के सौंफ लिया है। ये 2 टीस्पून भर के सौंफ लिया है। ये मेथी के दाने लिया है 1/2 टीस्पून। ये 1/2 टीस्पून मैंने राई लिया है। ये लौंग ली है मैंने, 7-8-10 लौंग हैं। ये काला नमक लिया है 1/2 टीस्पून भर के। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून भर के। ये मैंने लिया है चाट मसाला 1 टीस्पून भर के लिया है। ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 5-6 छोटे छोटे। एक दालचीनी ली है, उसी को 5-6 टुकड़े में काट तोड़ दिया है। कलौंजी लिए है मैंने 1/2 टीस्पून। ये ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। ये अजवाइन लिए 1/2 टीस्पून। ये मैंने लिया है दही बड़े का पाउडर मसाला, ये घर का बना हुआ पाउडर मसाला है, ये लिया है। ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है 2 टीस्पून भर के है। ये 1/2 टीस्पून से ज़रा सा मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। ये हींग लिया है 1 टीस्पून। और ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम। और ये थोड़ी सी क्रश ब्लैक पेपर लिया है मैंने, ज़रा सी, इसको बोल सकते एक चुटकी जितनी ब्लैक पेपर लिया है मैंने। ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने ये लिया है काजू, और ये बादाम लिया है मैंने, इसको भी बोल सकते 2 टेबलस्पून भर के लिया है। ये ऑप्शनल है, आपके डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। आपको नहीं डालना है तो नहीं भी डालिए, इसको स्किप कर सकते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्ची लिए है मैंने, ये 4 कश्मीरी लाल मिर्ची लिए, जिसको बीच में से तोड़ दिया है आधा आधा। चलिए अभी हम बनाना शुरू करते हैं। ये मेरा गुड़ है, ये आम हमने इस तरह से काट लिए हैं। 2 आम में गुठलियाँ नहीं थी, ये 3 आम गुठली वाले निकले हैं, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, ये भी हम गुड़म्मे में डाल देंगे। चलिए अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है काफ़ी, इसमें हम अभी भगा देंगे ये ज़ीरा, अजवाइन, राई, कलौंजी, मेथी, सौंफ, दालचीनी, लौंग डाल के इसको थोड़ा भूनेंगे। गैस हमने स्लो किया है, फास्ट गैस पे नहीं भूनना है हमें, नहीं तो फास्ट गैस पे वो जल जाएंगे, मसाले कड़वे हो जाएंगे, कड़वा टेस्ट आएगा। मिर्ची डाल दिया हमने, इसे भी थोड़े टाइम सौते कर लेते हैं। अभी ये डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। थोड़े टाइम हम इसे रखते हैं 1 मिनट तक स्लो गैस पे, थोड़ा ये ड्राई फ्रूट भी अपना कलर चेंज करे, उसके बाद हम इसमें आम डाल देंगे। देखिए ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा कलर चेंज आना है, ब्राउन जैसा हुआ है। अभी इसमें हम हमारे आम डाल देंगे, आम डाल के मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया सारा, इसके अंदर बघार कोट हो गया है गुड़ के अंदर। अभी इसके अंदर हम हमारे मसाले डाल देंगे,
डाल के मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा मसाला कलर आया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। इसके अंदर भगार की खुशबू आ रही है, काला नमक की खुशबू आ रही है, जीरे के लिए। इसको भी एक मिनट हम ढक देते हैं, एक मिनट के लिए स्लो गैस पे। फिर उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। चलिए एक मिनट हो गया। इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे। अब इसको हम पकने देंगे। 1.5 कप पानी डाल के एक बॉईल आने तक इसको रुकेंगे। फिर उसके बाद इसमें गुड़ डाल के पकाएंगे। ये हमने 1 किलो गुड़ में, देखिए 1.25 किलो गुड़ हमने लिया है, 1.5 किलो गुड़ हमने रख दिया है। अगर हमें लगेगा तो हम यूज़ करेंगे। अभी हम इसमें डाल देते हैं हमारे मुरब्बे में। देखिए ये अभी बॉईल होने आया है, तो कैरी सॉफ्ट भी हो गए हैं। अभी इसलिए हम इसमें गुड़ डाल देंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर में भी बना सकते हैं, इसे बहुत अच्छी तरह से बन जाता है शक्कर में भी। अगर आपके पास गुड़ थोड़ा है और अब टाइम नहीं आपको लाने का, तो आप इसमें थोड़ा गुड़ और थोड़ी शक्कर डाल के भी बना सकते हैं। चलिए अभी हम इसको पकने देते हैं गुड़ गले तक। देखिए हमारा गुड़ अम्मा रेडी हो गया है। और इसको हमने बुझा दिए थे गैस और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिए थे। देखिए कितना अच्छा कलर, देखिए इसका कितना अच्छा टेस्टी बना है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। चलिए इसको हम सर्व कर देते हैं। अभी ठंडा होगा और तो और गाढ़ा होगा। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। टीसा गुड़ अम्मा तैयार हो गया है और ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। चलिए इसको अभी हम टेस्ट करते हैं। ये बहुत गर्म है अभी, थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप टेस्ट कीजिएगा। इतने गर्म गर्म में टेस्ट मत कीजिए, मुंह में चटका लगने का डर है। बहुत गर्म है ये।